Good morning children, welcome to YouTube channel of Lal Park Girls Inter College. In this video I am going to explain you about refraction of light. Last video में मैंने आपको पूरा बताया था कि क्या refraction होता है ना. अब refraction of light से related जितने भी आपके terms हैं मैं आपको वो बताती हूँ. Now see here, means ये है हमारे दो medium, ठीक है. इफ़ वी सेपरेटिंग मीडियम, अगर हम ए एंड बी, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द सेपरेटिंग प्लेन ऑफ एयर एंड ग्लास इज शोन. मीन्स ये एयर है, दैट इज ग्लास. नाउ सी दैट द लाइट रे ओ ए ट्रैवलिंग इन फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. जो फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर रही है दैट इंसिडेंट रे, एंड रे ए बी ट्रैवलिंग इन द सेकेंड मीडियम वो हमारी क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे. The point on the separating plane at which the incident ray meets the plane is called point of incident. जहाँ पे separating plane पे हमारी incident ray मिल रही है उस point को हम क्या बोलेंगे, point of incident. The line N1 A N2 means N1 A N2 ये हमारी क्या हो गई, perpendicular to the separating plane. ये है perpendicular दोनों separating plane का. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ओ ए एन वन, मीन्स ओ ए एन वन इज क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल एन टू ए बी, मीन्स एन टू ए बी, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. In the figure, these angles are represented by I and R as it is. If the refracted ray bends towards the normal, अगर normal की तरफ bend कर रही है, उसकी तरफ झुकी हुई है, then हम क्या बोलेंगे, the second medium is said to be denser. तो second medium क्या है, denser है than the first medium के. लेकिन अगर light ray enter कर रही है glass from air and from away from the normal, means normal से कहाँ है, दूर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड मीडियम इज़ टू बी रेयरर देन द फर्स्ट मीडियम. मीन्स कि फिगर में, इस सेकेंड फिगर में अगर हम देखें तो द लाइट रे इज़ इंटरिंग इन एयर फ्रॉम ग्लास, इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हट के जा बेंड हो रही है. तो हमारा एयर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा देन ग्लास के. द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ लेसर इन डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू रेयरर मीडियम. मीन्स जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो लेस होती है डेंसर मीडियम में, जितने की रेयर मीडियम में लेस नहीं होती. नाउ दैट इज द टर्म्स विच इज़ रिलेटेड विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ इन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, थैंक यू.